जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो फिर नेक्स्ट हम जो टॉपिक नया है आज का वो स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था डेवियंस। डेवियंस क्या है? डेवियंस मैंने बताया था कि वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स है, कल्चरल नॉर्म्स की वायोलेशन है, और उसके बाद सोसाइटी के जो सोशल कोड्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, सोशल जो मैनर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डेविएंस में आती हैं। सोसाइटी ने तौर तरीके बनाए हैं अपने जिनको फॉलो करना होता है हर इंसान ने, तो जब हम उनको फॉलो नहीं करते तो इस सिचुएशन को हम डेविएंट कहते हैं। एक आपने वर्ड नॉर्मल सुना होगा, नॉर्मल वर्ड है क्या? जो इंसान जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करता है उस इंसान को नॉर्मल इंसान कहा जाता है, और ऐसा इंसान जो नॉर्म्स की को फॉलो नहीं करता अब नॉर्मल होता है। सोशियोलॉजी में इसकी एक टर्म यूज की गई है कि ऐसे इंसान को डेवियंस कहते हैं जो अब नॉर्मल होता है, सोसाइटी के जो तौर तरीके होते हैं उनको फॉलो नहीं करता। ऐसा बंदा जो सोसाइटी के तौर तरीकों को फॉलो कर रहा है वो नॉर्मल इंसान होता है, जो नहीं फॉलो करता अब नॉर्मल होता है उसको डेवियंस। ये सोशियोलॉजी की स्पेसिफिक टर्म है डेवियंस, यानी एक ऐसी कंडीशन है जो सोसाइटी के तौर तरीके को इंसान नहीं मानता, ऐसी कंडीशन को डेवियंस कहते हैं। तो ऐसा बंदा जो तौर तरीके नहीं मान रहा था वो डेवियंट कहलाता है। तो नेक्स्ट हमने जो दो टाइप्स हैं उनको स्टडी किया था, एक इनफॉर्मल टाइप थी और फॉर्मल टाइप थी। उससे पहले हमने ये स्टडी किया था कि दोनों जो टाइप्स हैं उससे पहले हम नॉर्म्स को समझ लेते हैं ताकि हमें डेवियंस की जो टाइप्स हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं बता रहा था जो डेवियंट है उसकी टाइप्स, डेवियंस की टाइप्स को समझने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनकी टाइप्स को समझना पड़ेगा। एक्चुअली नॉर्म्स क्या चीजें हैं? रूल एंड रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है सोसाइटी के, प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी के जिनके तहत सोसाइटी चलती है। तो नॉर्म्स की दो तरह की टाइप्स हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में फोक बेस और मोरेज लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, और फॉर्मल टाइप्स में लॉ आता है। तो इसी तरह जो डेवियंट है उसकी भी दो अकसाम है, इनफॉर्मल डेवियंस और फॉर्मल डेवियंस। तो इनफॉर्मल डेवियंस क्या चीज है कि जब एक इंसान सोसाइटी के जो तौर तरीके जो सोसाइटी ने बनाए हैं उनसे हटके कोई काम करता है तो वो इनफॉर्मल डेवियंस में आता है। जैसे आप अजीब किस्म का हेयर स्टाइल बना लेते हैं, या आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं आप उधर जाके नोज पिकिंग, नाक में उंगली डालना स्टार्ट कर गए, ऐसे कोई ऐसे काम करें जो सोसाइटी अप्रूव ना करती हो, सोसाइटी इजाजत ना देती हो। तो ये सोसाइटी की जब तौर तरीकों की वायलेशन करते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते तो ये इनफॉर्मल डेवियंस में आ जाएगा। तो फॉर्मल डेवियंस जब हम लॉ के अगेंस्ट चले जाते हैं, सोसाइटी का जो मौजूदा कानून है हम कानून की जब खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो फॉर्मल डेविस में आ जाएगा। इस सिचुएशन को क्राइम भी कहते हैं। तो क्राइम और फॉर्मल डेविस एक ही चीज है। तो इनफॉर्मल डेविस में आप सोसाइटी के जो तौर तरीके रूल एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल हैं हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, फॉर्मल डेविस में हम लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। चाहे हम किसी ट्रैफिक जो सिग्नल है उसको ब्रेक कर देते हैं, या कोई ऐसा काम जो छोटा सा भी कानून हो या बड़ा कानून हो, छोटा एक्ट कर लें या बड़ा एक्ट कर लें, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सोशल कंट्रोल क्या चीज होती है। सोशल कंट्रोल ऐसी अटेम्प्ट्स होती हैं जो सोसाइटी करती है इंसान को रेगुलेट करने के लिए, उनकी सोच को रेगुलेट करने के लिए और बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। एक इंसान कोई काम करना चाह रहा है लेकिन सोसाइटी उसकी इजाजत नहीं देती, तो ऐसी सिचुएशन जो है उस सिचुएशन को सोशल कंट्रोल कहते हैं कि सोसाइटी मना करती है कि आप ऐसा काम ना करें। नॉर्मल जो सोशल कंट्रोल है ये सोसाइटी की तरफ से अटेम्प्ट होती है कि इंसान को कैसे कंट्रोल करना है, इंसान की सोच को कैसे कंट्रोल करना है कि वो जो सोसाइटी के तौर तरीके उनकी वायलेशन ना करे। उसके बाद फॉर्मल जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आ जाता है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, कोर्ट्स और प्रिजन। ये क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम किसी भी स्टेट का होता है, जो जो अदारे कानून नाफज करते हैं तो वो सारे अदारे इन्वॉल्व होते हैं, वो कानून की गाइडलाइन में जो सोशल कंट्रोल है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो फॉर्मल टाइप का होता है जिसको लॉ भी कहते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डेविएंस और क्राइम में। तो ये इधर से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा। प्रीवियस हमने जो वही पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वही चीज़ें थी, लेकिन न्यू लेक्चर इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो डेवियंस क्या चीज़ है? डेवियंस इज अ रिकग्नाइज वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म। डेवियंस में आप जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं। तो लेकिन जो क्राइम है, क्राइम अमाउंट टू वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है उसकी वायलेशन जो है वो क्राइम कहलाती है, यानी कि लॉ की वायलेशन क्राइम आ गई, और जो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं रूल्स हैं उनकी वायलेशन डेवियंस है। और डेवियंट कैन बी पनिश्ड और समटाइम नॉट। समटाइम ऐसा होता है कि जो बंदा सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी करे तो उसको पनिश भी हो सकती है, सम टाइम और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से मिसबिहेव करें, टीचर से मिसबिहेव करें, तो सम टाइम आपको एक सोसाइटी इग्नोर भी कर देती है, सम टाइम आपको बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन क्राइम में ये है कि आप एक कत्ल कर दें तो आपको सजा उसकी मिलनी ही मिलनी है, ट्रायल चलता है, वो अलहदा सी बात है कि आप इनोसेंट करार देते हैं ये सजा कम हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो आपको नहीं छोड़ता, सोसाइटी आपको छोड़ देती है। फिर एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सर जी जी, बंदा मिसबिहेव तो अपने पेरेंट्स या टीचर के साथ कर रहा है तो सोसाइटी क्यों सजा देती है? सोसाइटी बुरा भला कहती है उसको, बदतमीज किस्म के ऐसे कोई अच्छा नाम अच्छा देती है, मैं तो उससे जो आपको जो इंसल्ट फील होती है वो सोसाइटी की तरफ से सजा ही होती है। जैसे टीचर आपको डांट दे उससे भी सम टाइम आपको लग रहा था कि टीचर डिग्रेड कर रहा है, हमें पनिश कर रहा है, तो उसमें टीचर सम टाइम इग्नोर भी कर सकता है। लेकिन जो लॉ है उसमें यह है कि आप कोई जुर्म कर दें तो आपको उसकी सजा भुगतना ही होती है, इसमें छूट नहीं है। फिर थैंक यू सर जी, मैं वो दूसरी सजा समझ गया था। एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर डेवियंस आर सोशल प्रेशर और फियर ऑफ गॉड। जो सोसाइटी डेवियंस है उसके जो सोशल कंट्रोल करने के एजेंट्स हैं वो सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, यानी सोसाइटी का एक डर होता है कि लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करें तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, आप और उसके अलावा फिर आपको अल्लाह ताला का डर होता है अगर हो तो ये सारी वो चीजें हैं जो डेवियंस में आ जाती हैं। लेकिन जो क्राइम है उसमें जो एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो हैं वो क्या है, पुलिस और जुडिशरी। पुलिस आपको पकड़ती है और अदालत में पेश करती है, फिर ट्रायल चलता है, आपको सजा होती है अगर आपने जुर्म किया हो तो, अगर आप इनोसेंट करार दिए जाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो अगर कोई क्राइम कर ले तो उसको पुलिस और जुडिशरी सजा देती है। इधर एजेंट्स हैं पुलिस और जुडिशरी, लेकिन सोसाइटी में कोई एजेंट नहीं होता, लेकिन सोसाइटी की तरफ से एक प्रेशर होता है जो इनफॉर्मल होता है, आपको फील तो होता है कि प्रेशर है लेकिन नजर नहीं आता। उसके बाद आ जाता है डेवियंट रूल्स आर नॉट रिटन। जो डेवियंट रूल है सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जबकि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, वो रिटन फॉर्म में और वेल डिफाइंड होते हैं। उसके अलावा डेवियंट रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो डेवियंस रूल्स हैं वो हर सोसाइटी में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन लॉ तकरीबन हर सोसाइटी में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कत्ल कर देंगे तो उसकी सजा हर सोसाइटी ने रखी है, किसी सोसाइटी में इसकी छूट नहीं है। लेकिन डेवियंस जो रूल्स हैं ये हर सोसाइटी में डिफरेंट होते हैं। आप इंडिया में चले जाएं, उधर जाके गाय को जीपा करें, गाय की कुर्बानी करेंगे, तो आप उस जगह पे जो उस सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो मलेशिया है वो जीन्स और टाइट्स उनको पहनने नहीं देते, पाबंदी है इस पे, और दूसरी पाकिस्तान में जो शराब नोशी है उस पे सख्ती है, अमेरिका में यही शराब अगर पिए तो आपको सोसाइटी कुछ नहीं कहेगी। ये जो रूल्स हैं हर सोसाइटी में डिफरेंस होते हैं, तो लेकिन जो लॉ है वो हर सोसाइटी में ऑलमोस्ट सेम होता है। सोसाइटी हैज नो क्रेसिव पावर टू डील विथ डेवियंस। सोसाइटी के पास कोई पावर नहीं होती, जैसे इधर क्राइम जो करता है बंदा तो गवर्नमेंट के पास पुलिस होती है और दूसरे अदारे होते हैं, फौज होते हैं, जिनके जरिए कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है।
तो पूरा जो गवर्नमेंट के पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ करता है, क्राइम करता है, लेकिन अगर आप डेवियंस में आते हैं, डेवियंस करते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको तोड़ते हैं, सोसाइटी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे वो आपको कंट्रोल कर सकें, आपको पकड़ के सजा दे सकें जैसे गवर्नमेंट के पास है। तो जो लास्ट पे कुछ एग्जाम्पल डाली हुई है डेवियंस की मजीद समझाने के लिए, अगर आप जूते पहन के मस्जिद में उस जगह पे चले जाएं जिस जगह पे नमाज पढ़ी जाती है, तो आपको लोग फौरन कह देंगे जूता भाई बाहर निकालो, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, चाहे आप बादशाह भी हो तो आपको जूते बाहर ही निकालने पड़ेंगे। होली प्लेस पे आप कभी भी जूता पहन के नहीं जा सकते। उसके बाद किसी के पास आप बिला वजह जाके खड़े हो जाएं जिसको आप जानते भी नहीं, उनकी जाके कन्वर्सेशन सुनना स्टार्ट कर दें, तो वो लोग भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या वो आपको भगा देंगे, या वो खुद हट पीछे हो जाएंगे, तो उधर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आप पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, उधर जाके आप स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दें, तो जो है क्राइम उसकी कुछ एग्जांपल्स में मर्डर आ जाता है, रेप आ जाता है, और रोबरी आ जाता है, और बहुत सारे क्राइम्स हैं। ये कुछ एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए डेवियंस और क्राइम में डिफरेंस आपको समझाया, तो आई होप कि आपको इधर तक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि डेवियंस के कॉजेज क्या है, कौन सी वजूहत हैं जिनकी बेस पे जो बच्चे हैं या लोग हैं वो डेवियंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ब्रोकन फैमिली या इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आप सोशलाइजेशन होती है आपकी, सोशलाइजेशन में आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको सोसाइटी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो सिखा रहे होते हैं। उसके बाद टीचर है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपके दोस्त हैं। तो हमने सोशलाइजेशन के एजेंट्स पढ़े कि सोशलाइजेशन है क्या, हमारे लर्निंग है इंसान की जो हम पैदा होने से लेके अब डेथ तक करते हैं, क्या लर्न करना होता है हमने, सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, तौर तरीके, रस्म और रिवाज, ये सारी चीजें हम सोशलाइजेशन में सीखते हैं। तो हमने इसके एजेंट्स पढ़े थे, पहला एजेंट था फैमिली कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी तरबियत कर रही होती है, अगर हम कुछ गलत करें घर के अंदर, हमारी वालदा या वालदेन या हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप डांट डपट भी होती है तो मना कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है, हमने नहीं करनी, तो नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करते। तो उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद रिलीजन था जो एजेंट में हम डिस्कस कर रहे थे, पीयर ग्रुप था, वर्क प्लेस थी, आपकी बुक्स थी, मीडिया था, और लास्ट पे स्टेट थी। ये सारी चीजें आपकी तरबियत कर रही होती हैं सोशलाइजेशन में। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई ऐसा बंदा है, फैमिली डिस्टर्ब हो गई, ब्रोकन फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो उनकी जो तरबियत है वो अच्छे तरीके से नहीं होती। तो अल्टीमेटली अगर उनकी तरबियत नहीं होगी, उनको बताया नहीं जाएगा गलत क्या है ठीक क्या है, तो वो जो ये डेवियंस है उस साइड पे आ जाएंगे, रूल एंड रेगुलेशन वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कॉजेज में एक ये रीजन है। दूसरा इम्प्रॉपर सोशलाइजेशन के ऐसी सिचुएशन के आपकी सोशलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो सकी, आपके घर के मेंबर ज्यादा थे या बच्चे ज्यादा थे, जो गुर्बत है उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जो वालदेन है वो अपने रोजगार में मसरूफ होते हैं, लेबर में मसरूफ होते हैं, तो शाम को थक हार के आके सो जाते हैं, तो वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते, उससे तरबियत नहीं होती, या आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े पेरेंट्स में चल रहे हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो तरबियत है उसमें कमी रह जाती है, कसर रह जाती है, उसकी वजह से जो बच्चा है वो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सीख नहीं पाता सही तरह से, और अल्टीमेटली वो डेवियंस क्रिएट करता है, तो वो डेवियंट कहलाता है। देन दूसरे नंबर पे आ गया लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन वो है जो हम मदरसों में हासिल करते हैं, जिसमें कुरान सुन्नत है, और उसके अलावा जो हमारे खतीब हजरात होते हैं जुमा वाले दिन, वो भी जुमा के खुतबे में हमारी तरबियत कर रहे होते हैं, अल्लाह से डरा रहे होते हैं कि अल्लाह ने इस चीज़ से मना किया, इस चीज़ से आपको ये चीज़ें अलाउ की हैं, ये चीज़ें करनी चाहिए, इसका इतना अजर है, इसकी ये सजा होगी, तो वो आपकी तरबियत कर रहे होते हैं अल्टीमेटली, ताकि आप सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक ना करें। फिर फॉर्मल एजुकेशन में आपके वो सारे अदारे आ जाते हैं जो आपको एजुकेशन देते हैं। तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है
इसमें भी टीचर्स दो तरह की आपको एक्टिविटीज जो करवा रहे हैं, दो तरह की तरबियत होती है। एक तो आपको वो बुक स्टडी करवा रहे होते हैं, दूसरी तरबियत आपको वो आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी नजर आ जाए उनको जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, उससे भी मना कर रहे होते हैं कि आप ये ना करें, क्लास में शोर ना करें। तो टीचर जो है वो आपकी तरबियत कर रहे होते हैं, उसके साथ आपके क्लास फेलोज होते हैं तो उनसे भी आपकी लर्निंग हो रही होती है, वो भी आपको कई चीजों से मना कर रहे होते हैं। कुछ रूल्स आप अगर नहीं जानते तो आपके जो दोस्त हैं वो भी सिखा देते हैं कि यार ऐसा ना करो, ये मना है इस जगह पे। तो देन जो तीसरा कॉजेज है वो है रिजेक्शन बाय द नेबरहुड। अगर ऐसा बंदा जो नेबर्स हैं उनके साथ ज्यादा घुल मिल के नहीं रहता, उसको नेबर इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक गली है, इसमें ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या रिच फैमिली रहती, कोई गरीब उस गली में रह रहा है तो उससे अगर वो बुलाएंगे नहीं तो वो उसके जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे अमीर के बच्चों के साथ नहीं खेल पाएंगे, अमीर पसंद नहीं करता कि गरीब के बच्चे उसके साथ खेलें। तो अगर वो रिजेक्शन है ना, ये जो गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे के साथ नहीं बैठ के खेल रहा, तो उसका जो रीजन ये होगी, जो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो अल्टीमेटली जो बच्चा है, जो उसकी सोशलाइजेशन पीयर ग्रुप से होनी होती है, जो गली के बच्चे हैं उनके साथ उसने खेलना होता है, तो बच्चे की जो तरबियत नहीं सही तरह से हो पाती। उसके अलावा अगर आप कुछ चीजें हम हमसायों के साथ डिस्कस करते हैं, उनका एक सोशल प्रोटेक्शन उनको जो हमसायों उन्होंने देनी होती है, हमें बताओ कि अगर कोई बाहर से चोर आ जाएगा, हम हमारे हमसाए हैं, वो हमें बचा लेंगे, कवर कर लेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, तो आपको एक सिक्योरिटी होती है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके जो नेबर्स हैं आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको से नहीं सही समझते, जैसे आपकी गली में कोई नॉन मुस्लिम आ जाए, इंडिया की मिसाल ले लें कि सारे एक गली में हिंदू रह रहे हैं, उस गली में एक मुस्लिम आ जाए तो वो उसको पसंद नहीं करेंगे उसका, क्योंकि तौर तरीका मुसलमानों के अलग है, नमाज पढ़ना, कुर्बानी करना, सारी ये चीजें आ जाती हैं। तो उसके साथ जो मेजोरिटी है वो मिलना जुलना पसंद नहीं करती किसी बिना पे, तो उससे वो होता ही है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। उसके अलावा उसमें नफरत पैदा हो जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो दूसरे नेबर्स हैं अगर वो रिजेक्ट करते हैं, नफरत पैदा होगी, अल्टीमेटली वो इंतकाम वाली साइड पे आएगा। जब वो इंतकाम लेगा तो वो डेविंस कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा, अगर वो लॉ बनाए। तो अगर नेबर्स रिजेक्ट करते हैं तो इससे भी इंसान डेविंस वाली साइड पे जाता है। फिर है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। अगर आप गरीब हैं, गुर्बत की वजह से आप जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली स्ट्रीट क्राइम या दूसरी क्राइम वाली साइड पे अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए इंसान जाता है। अगर बच्चे देखें कि हमारे घर में फ्रिज एक्सक्यूज मी नहीं। सर, जी। सर ये डेवियंस का लुग भी मानिए सर, अगर एक लफ्ज के अंदर इसको हम बयान करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, डेवियस अगर एक वर्ड में आप सम अप करना चाहें, ये वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी है। ऐसा बंदा जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो नॉर्मल, आपने वर्ड सुना का कि एक रूटीन के मुताबिक चीज चल रही है, उस चीज को हम नॉर्मल कहते हैं। यानी कि ऐसा बंदा सोसाइटी का जो सिस्टम बनाया है उसी रूटीन के हिसाब से, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने सारे एक्टिविटीज कर रहा है, अपने काम कर रहा है, इस चीज को हम नॉर्मल में कहते हैं। अगर हम इनकी वायलेशन करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, तो ये डेवियस है। सोसाइटी के जो रूल्स, रस्म रवाज, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें जो सोसाइटी ने तौर तरीके बनाए हुए हैं, अगर हम इनकी वायलेशन करते हैं तो ये डेवियंस कहलाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सर ये सिर्फ सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन की जो मतलब खिलाफ वर्जी है वो डेवियंस कहलाएगी, या इसमें स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी शामिल है? आप मेरे ख्याल में आपने या तो लेट ज्वाइन किया है, मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेवियंस की दो अकसाम होती हैं। एक एग्जाम है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो टाइप ऑफ डेवियंस है जिसमें सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हम उनकी वायलेशन करते हैं। जो फॉर्मल टाइप ऑफ डेवियंस है उसमें हम जो सोसाइटी है उसका जो लॉ होता है उसकी वायलेशन करते हैं। फॉर्मल जो डेवियंस होता है उसका दूसरा नाम क्राइम भी है। तो हम उसके जो डेवियंस है इसके कॉजेज पे आए हुए थे। तो लैक ऑफ जो बेसिक फैसिलिटीज है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, आपके पास जो दूसरी घर में जरूरियात हैं
जो होनी चाहिए, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, तो आप गरीब हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप परचेज करें। तो अल्टीमेटली जो शॉर्टकट तरीका नजर आता है वो यही है कि आप क्राइम करें, छीन लें, चोरी करें। तो ये इस वजह से भी, अगर लैक ऑफ फैसिलिटीज हो किसी बंदे के पास, तो इंसान डेवियंस और क्राइम वाली साइड पे जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी रीजन, वो है पेरेंटलेस चाइल्ड। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डाइवोर्स की वजह से या किसी और वजह से डेथ हो जाती है पेरेंट्स में से किसी एक की या दोनों की, तो जो ऐसे बच्चे हैं उनकी तरबियत सही तरीके से नहीं हो पाती। रीजन क्या है कि जो आप घर में, आपने देखा होगा कि अगर आप लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं तो आपकी वालदा आपको बता रही थी, बेटा राइट हैंड से खाओ, इस हाथ से खाना चाहिए। आपको बुरा भला भी कहती है, समटाइम प्यार से भी समझाती है। तो आप सीख रहे होते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि पेरेंट्स जो है हमें पनिश करेंगे अगर हम वायलेशन करते हैं सोसाइटी के रूल्स की या कोई गलत काम करते हैं। तो जो पेरेंटलेस चाइल्ड होते हैं उनको दरअसल उनकी तरबियत कोई नहीं कर रहा होता, तो उन पे तवज्जो कोई नहीं कर रहा होता, तो अल्टीमेटली उनकी जो आदत हैं वो इस तरह से डेवलप हो जाती है कि उस ये डेवियंस वायलेशन करना उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज होती है। जो नेक्स्ट है, सबसे जो मैं मेन समझता हूँ, वो है मैस मीडिया और सोशल मीडिया। जो मास मीडिया है इसमें जो टेलीविजन पे आपने कई प्रोग्राम देखे होंगे, जैसे इंडियन एक प्रोग्राम है सीआईडी और क्राइम पेट्रोल वगैरह, उसमें आपको काफी चीजें दिखा रहे होते हैं कि एक स्टोरी सुना रहे, दिखा रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि एक बंदा था, उसने ऐसे ऐसे क्राइम किया, पुलिस ने ऐसे ऐसे डिटेक्ट किया। उससे जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हम सबूत को कैसे छुपाना है, क्राइम कैसे करना है, उनकी एक लर्निंग हो रही होती है। अगर कोई बंदा क्राइम करना चाहता है, अगर वो देख रहा होगा तो उसकी एक तरह से तरबियत हो रही है, उसको एक तरीका मिल रहा है कि मैंने ये एक्टिविटी, गलत काम करना है तो किस तरह से करना है, उसको वो सारा पैटर्न ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू नजर आ रहा होता है। उसके बाद ड्रामा और मूवीज ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सीख रहे होते हैं कि ड्रामे में एक विलन है, एक दूसरा हीरो है, तो वो बजाय कोर्ट जाने के वो विलन को खुद से इंतकाम ले रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं जो लर्निंग हमारी हो रही होती है, उससे क्या है कि इंसान डेविस वाली साइड पे जाता है। असल तरीका तो ये है कि आप कोर्ट वाली साइड पे जाएं, लेकिन मूवीज में ये दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो विलन को मार रहा है, तो उससे भी हम काफी चीजें सीख रहे होते हैं। सोशल मीडिया जो है, इसमें दूसरी टिकटॉक है, यूट्यूब है, इस पे काफी हम ऐसी चीजें देख पा रहे होते हैं, तो जिससे हमारी लर्निंग ऐसी हो रही थी जो हम डेविस वाली साइड पे जाते हैं। तो इसके अलावा गेम्स हैं, पबजी एक बड़ी जहरीली किस्म की गेम है जिसने यूथ को बर्बाद किया हुआ है। तो ये गेम पूरी पूरी रात बच्चे खेलते हैं और सत्यानाश हुआ पड़ा है हमारी यूथ का इस वजह से। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि जब बंदा पूरी रात गेम खेल रहा है तो नींद उसकी पूरी नहीं है, तो उससे एक तो जो सोशल एक्टिविटीज हैं इंसान की, उससे उसकी लर्निंग ही नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही, पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहा, गेम में लगा हुआ। और उसके साथ साथ अगर कोई बंदा पूरी रात जागता है ना, तो उससे इशू ये आता है कि उसकी जो रिकवरी होती है, जो नींद के दौरान जिस्म ने अपनी एक रिकवर करना होता है, जो सेल्स इंसान के टूट चुके होते हैं, तो रात की जो नींद है उसमें जो सेल रिकवर करने होते हैं इंसान की बॉडी ने, तो अगर हम रात को नहीं सोएंगे, ये गेम्स में, ड्रामास, मूवीज, इन चीजों में लगे रहेंगे, तो इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसमें एक फैक्टर ऐसा आता है जिसमें इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से बात करनी सही तरीके से नहीं करनी, तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंसान डेविस वाली साइड पे आता है। उसके बाद अर्बन स्लम, अर्बन स्लम ऐसा एरिया होता है जिधर ज्यादातर गरीब लोग रहते होते हैं और उधर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं बहुत कम होती हैं और सफाई का जो निज़ाम होता है वो ज्यादा बेहतर नहीं होता है, इधर ज्यादा लेबर तबका रहता है स्लम एरियाज में। तो होता यह है कि वो लेबर तबका, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो अपनी रोजी रोटी के पीछे लगे होते हैं बेचारे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों की तरबियत कर सके। दूसरे नंबर पे इधर स्मोकिंग, गुटखा, ये चीजें बड़ी आम होती है, नशा बड़ा आम होता है, तो बच्चे उनको देख रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली बच्चे उस चीज को फॉलो भी करते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को देखा स्मोकिंग करते हुए, तो बच्चे के लिए स्मोकिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बाप भी नहीं रोकता। तो अल्टीमेटली होना क्या है,
कि इंसान डेवियंस वाली ये जो एक्टिविटी है स्लम एरियाज में, अगर पेरेंट्स शराब पी रहे हैं बच्चा देख रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी तरबियत यही हो रही है ना कि शराब पीने से कुछ नहीं होता। वालदैन पी रहे थे, वालद पी रहा था, चाचा पी रहा था, तो इशू नहीं है, तो अल्टीमेटली बच्चा शराब पिएगा। या अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज कर में इन्वॉल्व थे तो बच्चा भी उधर से देख के क्रिमिनल एक्टिविटी वाली साइड पे ही अल्टीमेटली जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है कि सोशल फाउंडेशन ऑफ डेवियंस, ये जॉन जेम शोनस की बुक है, उसमें उसने तीन तरह की फाउंडेशन जो है डेवियंस की वो उसने डिफाइन की है। पहली वो कहता है कि डेवियंस वेरीज अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म, जो डेवियंस है वो कल्चरल नॉर्म के अकॉर्डिंग चलता है सोसाइटी के अंदर, जिस तरह के नॉर्म्स होंगे कल्चरल उसी तरह का जो डेवियंस होगा। मैं मिसाल दे चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, कि कुछ सोसाइटीज हैं, अब पाकिस्तान है, इधर अगर आप 100 गाय को जिब्बा कर देंगे, उसकी कुर्बानी कर देंगे, तो आप बड़े सखी और नेक आदमी गिने जाएंगे। यही काम आप इंडिया में कर दें तो आप ये अगेंस्ट एहतजाज होना शुरू हो जाएगा कि आपने 100 गाय को जिब्बा कर दी, क्योंकि उधर की जो सोसाइटी है उसके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे आपको कि आप गाय को जिब्बा करें। फिर पाकिस्तान में आप शराब पीते हैं। जी जी सर जी, ये फाउंडेशन किसे कहते हैं, इसे जरा एक्सप्लेन करना। फाउंडेशन होता है कि आप बुनियाद कौन सी तीन चीजें जिन पे जो डेविएशन उनकी बुनियाद होती है किसी भी सोसाइटी में, तो इस चीज को कहते हैं फाउंडेशन। डेवियंस जो है वो पहली फाउंडेशन, ये कहता है कि हर सोसाइटी की जो डेवियंस है उसकी बुनियाद इन हर सोसाइटी की जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, यानी सोसाइटी के जो रूल एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल होते हैं, रस्म और रिवाज होते हैं, तो डेवियंस की उसके ऊपर बेस करता है। अब उसकी मिसाल मैं अभी दे चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में हम शराब पीते हैं तो ये डेवियंस कहलाएगा, अमेरिका में यही काम करेंगे तो ये आम रूटीन की बात है, उधर डेवियंस नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसकी जो सोसाइटी है वो अलाउ कर रहे कि इंसान शराब पी सकता है, उसका जाती फेल है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज को अलाउ नहीं करती। हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, इस चीज को मना करते हैं कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह मलेशिया की मैं पहले भी एग्जाम्पल दी कि उधर जो फीमेल जो टाइट्स और जीन्स पहनती है उस पर पाबंदी है, अगर यही काम पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल चीज है, पाकिस्तानी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन उधर से बड़ा रिएक्शन आता है। उसके अलावा एक मिसाल इस तरह से भी ली जा सकती है कि सऊदी अरब है, उसमें जब वो आता है वैलेंटाइन डे, तो जो फ्लावर्स हैं वो ना तो कोई सेल कर सकता है ना कोई बंदा खरीद सकता है। ईरान है, उसने मेकअप पे टोटल पाबंदी लगाई हुई है। तो ऐसे ही हम जिस सोसाइटी में जाएं उसके अलग से ही तौर तरीके हैं, अलग से नॉर्म्स हैं, तो डेवियंस भी हर सोसाइटी में अलग से होगा, क्योंकि हर सोसाइटी के अलग से नॉर्म्स हैं, अलग से रूल्स हैं, अलग से रेगुलेशंस हैं, उसके प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, रस्म और रिवाज हर सोसाइटी के अलग हैं, इस वजह से डेवियंस भी हर सोसाइटी में अलग ही पाया जाता है। तो आई होप समझ आ गई होगी। दूसरी जो फाउंडेशन है सर उसकी जी, तरह, एक तो आपने फाउंडेशन का बताया है, बाकी दूसरा ये जो शायद फरीदी की फलाही कामों के लिए फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से क्या मुराद है फिर? आप फिलहाल लेक्चर पे नहीं, वो व्हाट्सएप पे मैं आपको आंसर दे दूंगा, क्योंकि 5 मिनट रह गए, मैं लेक्चर को खत्म करना चाह रहा हूँ। तो ओके आप ओके सर। तो फिर है पीपल बिकम डेवियंट एज अदर डिफाइन देम दैट वे। तो जिस तरह अगर किसी को हम पुकारना स्टार्ट कर दें, मिसाल के तौर पे किसी से गलती से, कोई बंदा नहीं जानता कि गलती से किसी से कोई गलत काम हो जाता है, हम उसको लेबल लगा दें, एक बच्चा है वो क्लास में लेट आता है तो उस पे आप, या फिर एक दफा कोई बच्चा फेल हो जाए उस पे अगर लेबल लगा दे पूरी क्लास की, ये नालायक है, पेरेंट्स कह रहे हैं ये नालायक है, तो होता ये है कि इस तरह उस पे लेबल लग जाता है, तो पीपल उसी तरह फिर उसको जिस तरह बुलाया जाता है उसी तरह वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने सोशलाइजेशन की जब थीरीज पढ़ी थी उसमें सीएच कोले की सेल्फ लुकिंग ग्लास थीरी थी, उसमें ये कि इंसान सीख रहा होता है कि लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, तो अगर किसी से कोई गलत एक्टिविटी हो गई उसको लेबल लगा दिया जाए कि आप नालायक हैं, कोई भूख के तहत, जरूरत के तहत चोरी करता है तो आप उसको चोर कहना शुरू कर दें, बार बार चोर कहते रहें उसकी रीजन को बिना जाने, तो वो अल्टीमेटली उसके साथ लेबल लग गया तो वो ज्यादा ऐसी चोरी वाली एक्टिविटीज में करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका नाम पक्का हो चुका है कि वो चोर करे ना करे तो उस पर शक जाना ही जाना है। तो अल्टीमेटली होता है कि क्रिमिनल इस साइड पे या जो डेवियंस है उन पे जब एक टैग लग जाए
उसके बाद वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा है कि हाउ सोसाइटी सेट नॉर्म्स, सोसाइटी नॉर्म्स कैसे सेट करते हैं, और हाउ दे डिफाइन रूल्स ब्रेकिंग बोथ इन्वॉल्व सोशल पावर। इसमें एक तो है कि सोसाइटी, हर सोसाइटी के रूल जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उस पर एक चीज बेस करती है कि सोसाइटी के नॉर्म्स किस तरह से हैं, कैसे उसने सेट किए हुए हैं, तो इसकी सोशल पावर इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। एक आम आदमी सड़क पे खड़ा होकर इत्तेजाज करना शुरू कर दे गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी सियासी लीडर को बुरा भला कहना शुरू कर दे, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। तो इसी तरह से एक सियासतदान जब अपोजिशन में आके गवर्नमेंट पे तनकीद करता है, तो अल्टीमेटली उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, उसकी रैलीज में, जलसों में, उसकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी कर रही होती है। रीजन क्या है कि दोनों शहरी हैं, लेकिन रीजन ये है कि हर सोसाइटी ने अपने अलग तरह से नॉर्म सेट किए हुए हैं, और अलग तरह से हर इंसान को पकड़ा जाता है। एक ओपोजिशन में अगर वो बंदा कह रहा तो हम उसको इनकर्ज कर देते हैं कि सच्ची बातें कर रहा है, तो अगर वो यही करता है कि सोसाइटी को गवर्नमेंट सख्त किस्म का उस पर जो लेती है एक्शन, ताकि उसको सजा दी जा सके, उसने स्टेट के जो खिलाफ वर्जी की, स्टेट के बारे में बुरा भला उसने कहा है, तो यही चीज एक पावरफुल बंदा कहता है, क्योंकि उसके पास सोशल पावर है, लोग उसके साथ हैं, तो उसकी बात को ज्यादा सुना जाता है, गवर्नमेंट इतना एक्शन नहीं लेती। तो आज का लेक्चर यहीं तक, टाइम 1-2 मिनट रह गया है, तो मैं चाहूंगा किसी को अगर इस इधर तक कोई समझ नहीं आई तो स्टडी से रेलिवेंट प्लीज क्वेश्चन करें, तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसका भी। जी किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर जी, जिस दिन से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मुझे आज समझ आई है सही लेक्चर की। मैंने कहा स्टडी से रेलिवेंट क्वेश्चन सिर्फ करें प्लीज़।